सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म राइज ऑफ द प्लेनेट एप्स का तीसरा और आखिरी पार्ट, वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स। फिल्म के दूसरे पार्ट के एंड में हमने देखा कि सीजर ने कोबा को मार दिया है और अब आर्मी सीजर और उसकी सेना पर हमला करने के लिए निकल चुकी है। फिल्म के तीसरे पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सैनिक जंगल में एंटर हो रहे हैं और उनकी मदद कर रहा है एक वानर जिसका नाम है रेड। रेड और दूसरा एक वानर कोबा के वफादार थे और कोबा के मरने के बाद अब वे सीजर और उसकी सेना को ख़त्म करने के लिए आर्मी की मदद कर रहे हैं। कुछ ही देर में आर्मी के सैनिक सीजर की सेना के ठिकानों पर हमला कर देती हैं। जवाब में सीजर की सेना भी जबरदस्त पलटवार करती हैं। वे गन फायर और भाले फेंक कर सैनिकों का मुकाबला करते हैं। कई सैनिक मारे जाते हैं जिसके बाद रेड के साथ कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है। अब सीजर सैनिकों के साथ बात करने आता है जो सैनिकों को माफ़ करते हुए उन्हें वापस कैंप में भेज देता है। सीजर आर्मी के कमांडर को मैसेज भेजना चाहता है कि वो एग्रेसिव नहीं है। वहीं रेड विंटर से बचकर फिर से आर्मी कैंप में भाग जाता है। सीजर का बड़ा बेटा ब्लू आई और रॉकेट अपने ठिकानों पर वापस आ जाते हैं। रॉकेट और ब्लू आई ने वानरों के रहने के लिए रेगिस्तान में एक नई जगह खोज ली है जहाँ वे इंसानों से दूर शांति से रह सकते हैं। सीजर इस बात से खुश है कि उसका पूरा परिवार फिर से एक साथ है। सभी लोग काफ़ी खुश हैं। अब सभी मिलकर भविष्य के बारे में प्लानिंग करते हैं। विंटर जो कि इंसानों से डरता है, वो कहता है कि हमें रात के अंधेरे में यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी बाकी सदस्य कहते हैं कि उन्हें ठीक से प्लानिंग करने के लिए वक्त की ज़रूरत है। सीजर कहता है कि रेगिस्तान तक जाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित मार्ग खोजना होगा क्योंकि इतने सारे वानर इंसानों का ध्यान उनकी ओर खींच सकते हैं। उस रात जब कुछ वानर सो जाते हैं तब कर्नल मैकोला और उसके सैनिक सीजर को मारने के लिए आते हैं। वानर इस हमले के लिए तैयार नहीं है। इस हमले में कई वानर मारे जाते हैं। मैकुला सीजर की पत्नी कॉर्नेलिया और उसके बड़े बेटे ब्लू आई को गोली मार देता है। जब सीजर वापस आता है तब उसकी पत्नी और बेटे को मरा हुआ पाता है। सीजर गुस्से से भर जाता है और वो मैकुला को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। वो वाटरफॉल के ऊपर हेलीकॉप्टर के सहारे भाग रहा है। सीजर जंप करके मैकुला की रस्सी पकड़ लेता है। उसी वक्त मैकुला रस्सी को काट देता है। सीजर नदी में गिरता है और मैकुला भागने में कामयाब रहता है। सीजर काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर साथियों के पास आता है। वो अपनी पत्नी और बेटे की मौत से काफ़ी दुखी और गुस्से में है। वहीं उसका छोटा बेटा दीवार के पीछे छिप गया है, इसलिए बच जाता है। सीजर अब किसी भी हालत में बदला लेना चाहता है। अपने बेस पर आने के बाद सीजर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि रेगिस्तान की ओर जाओ और वहाँ हमारे रहने का नया ठिकाना ढूंढो। सीजर अपने छोटे बेटे की जिम्मेदारी लेक को देता है और सीजर मैकुला की खोज में निकल जाता है। वहीं बाकी वानर रेगिस्तान की ओर आगे बढ़ते हैं। सीजर के मना करने के बावजूद मोरिस, रॉकेट और लुका सीजर के पीछे आते हैं और कहते हैं कि वे अपने लीडर की सुरक्षा करना चाहते हैं। अब वे सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो गन लेकर वानरों को मारने की कोशिश करता है। उससे पहले सीजर उसे गोली मार देता है। अब वे उस आदमी के घर में दाखिल होते हैं जहाँ पर एक बच्ची है जिसका नाम है नोवा। वो वानरों को देखकर डर जाती है। तभी मोरिस फर्श से एक डॉल उठाकर उस बच्ची को देता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि नोवा बोल नहीं सकती। अब सभी वानर यहाँ से जा रहे हैं तब नोवा बाहर आकर उस आदमी की डेड बॉडी को देखती है जिसे सीजर ने मार दिया था। सीजर नोवा को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता, लेकिन मोरिस कहता है कि हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए सीजर नोवा को अपने साथ आने देता है। शुरू में सीजर और नोवा एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे नोवा अपनी बहादुरी से वानरों का भरोसा जीत लेती है। अब चारों वानर आर्मी कैंप से कुछ दूरी पर रुकते हैं। सीजर देखता है कि विंटर ने पाला बदल लिया है और अब वो इंसानों से मिल चुका है। अब वे विंटर के अकेला होने का इंतजार करते हैं और कुछ ही वक्त में विंटर को घेर लेते हैं। विंटर बताता है कि रेड ने उसे वादा किया था कि अगर वो इंसानों के साथ आ गया तो उसकी जान बच जाएगी, इसलिए उसने वानरों को धोखा दिया और इंसानों से हाथ मिला लिया। विंटर कहता है कि उसने इंसानों को वानरों के ठिकाने के बारे में बता दिया है, इसलिए मैकुला अपनी आर्मी के साथ वहां पर गया है। ये सुनकर सीजर विंटर का मुंह बंद कर देता है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था। विंटर बेहोश हो जाता है। सीजर कहता है कि हमें कुछ भी करके मैकुला को रोकना होगा, इसलिए वो अपने साथियों के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। वे जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आर्मी से पहले वे अपने कबीले वासियों तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह सीजर का ग्रुप पहाड़ों से होते हुए आगे जा रहा है। तभी उन्हें तीन सैनिकों की बॉडी बर्फ में मिलती है जिसमें से एक सैनिक जिंदा है। सीजर उससे पूछता है कि तुम्हें किसने गोली मारी, लेकिन वो सैनिक बोल नहीं सकता। मोरिस कहता है कि ये जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए सीजर उसे गोली मारकर उसके दर्द का अंत कर देता है।
अब सीजर मैकुला को मारकर बदला लेना चाहता है। हम देखते हैं कि कुछ वानर नजदीक के टावर पर चढ़ जाते हैं। तभी उन्हें एक छोटा सा प्राणी दिखाई देता है जो उनकी गन चुरा कर भाग रहा है। वे उसका पीछा करके पकड़ लेते हैं। ये प्राणी एक छोटा सा बंदर है जिसका नाम है बैडेप। वो अपनी जैकेट उतार कर नोवा को देता है क्योंकि वो ठंड से कांप रही है। बैडेप सीजर की तरह बोल सकता है। वो बताता है कि जब वायरस फैलने लगा तब वो जू में था। बैडेप अपने साथ कुछ खाना लेकर आया है, वो सभी को देता है। सीजर और उसके साथी मिलिट्री कैंप के पास जाते हैं, तब उन पर एक सैनिक हमला कर देता है। लुका सीजर को उस सैनिक से बचाता है लेकिन इस कोशिश में खुद मारा जाता है। सीजर का खून खौल रहा है लेकिन वो जानता है कि अगर वो कुबा की तरह बदले की कोशिश करेगा तो उसे कदम कदम पर मौत मिलेगी। लुका की डेड बॉडी को देखकर सीजर कहता है कि इसलिए मैं अकेला आना चाहता था। नोवा को रोता देख सीजर को एहसास होता है कि उसे मजबूत रहना चाहिए ताकि वो शांति और न्याय के लिए लड़ सके। लुका भी सीजर से यही चाहता है। रात में सीजर आर्मी कैंप में अकेला जाता है। कैंप के सामने उसे दो वानर मिलते हैं जिनमें से एक बताता है कि वानरों के कैंप को जब्त कर लिया गया है और उनके पास गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। तभी रेड पीछे से आता है और सीजर पर वार करता है। सीजर बेहोश हो जाता है। जब सीजर होश में आता है तब उसके सामने कर्नल मैकुला को देखता है। सीजर कहता है कि तुमने मेरे परिवार वालों को मारा जो कि निर्दोष थे। तब मैकुला कहता है कि वो इसके लिए माफी मांगता है क्योंकि वो उसे मारने आया था। सीजर जानता है कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है लेकिन वो अपने साथियों को न्याय दिलाने के लिए कुछ करना चाहता है। आर्मी ने सभी वानरों को पकड़कर बंदी बना लिया है और सभी से काम करवाया जा रहा है। दीवार बना रहे वानरों को खाना और पानी भी नहीं दिया जाता। वहाँ एक बूढ़ा वानर है जो काम नहीं कर सकता। रेड उसे चाबुक से मार रहा है। तभी सीजर वहाँ आकर उसे बचाता है और खुद उसकी सजा भुगतता है। मैकुला ये देखता है और बूढ़े वानर को गोली मारकर सीजर से कहता है कि अगर किसी ने भी अपना काम बंद कर दिया तो वो सबको एक एक करके मार देगा। सीजर अपने लोगों के लिए पानी और खाने की मांग करता है। जवाब में मैकुला और अधिक लोगों को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर सभी वानर फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सीजर अपने आप को काफी बेबस पाता है। रेड और उसका साथी सीजर को जंजीरों से बांधकर मैकुला की ऑफिस में ले जाते हैं। सीजर यहाँ फिर से अपने साथियों को पानी और खाना देने के लिए कहता है। कर्नल कहता है कि तुम मुझे मारने आए थे और मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथियों की मदद करूं। सीजर कहता है कि पहले उसने मैकुला के साथियों को छोड़ दिया था, जिसके बाद मैकुला सीजर के साथियों को खाना और पानी देता है लेकिन सीजर को वहीं बांध दिया जाता है। रात में सीजर को हेलुसिनेशन हो रहा है। उसे कोबा दिखाई देता है जो कहता है कि मेरे साथ जुड़ जाओ। इसी दौरान मॉरिस, रॉकेट, बैडेप और नोवा दूर से कैंप को देखते हैं। रात में नोवा कैंप में जाकर सीजर को मिलती है। वो उसे खाना और पानी देती है, फिर वो अपनी डॉल सीजर के पिंजरे में फेंक देती है। तभी सैनिकों के आने की आवाज़ सुनकर सीजर नोवा को छिपने के लिए कहता है। उसी वक्त सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए रॉकेट आगे आता है और सैनिक रॉकेट को बंदी बना लेते हैं। अगली सुबह मैकुला सीजर को लेने आता है, तब उसे सीजर के पिंजरे में एक डॉल मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। मॉरिस और बैडेप अपने प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। वे एक सुरंग खोदकर कैंप की ओर जाते हैं ताकि रात में अपने साथियों को बचा सके। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर पानी का सोर्स है जिससे पूरी सुरंग में पानी भर जाएगा, इसलिए वो पानी वाला हिस्सा बंद कर देते हैं। जिसके बाद मॉरिस और बैडेप सीजर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीजर पिंजरे से बाहर आकर रॉकेट के साथ कई बच्चों को पिंजरे से मुक्त कर देता है। इसी दौरान मॉरिस और बैडेप सुरंग के रास्ते कैंप तक आ जाते हैं। अब गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए रॉकेट एक सैनिक पर कीचड़ फेंकता है। तभी बैडेप उसे सुरंग के अंदर खींच लेता है। अब सीजर बच्चों के साथ सुरंग के रास्ते बच निकलता है, जिसके बाद सीजर कर्नल मैकुला को मारने के लिए जाता है। उसी दौरान दुश्मन देश की सेना वहां पर मिसाइल अटैक करती है। सीजर देखता है कि मैकुला दारू के नशे में है। मैकुला बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। सीजर मैकुला पर गन तान देता है। मैकुला भी उस गन को पकड़कर ट्रिगर खींचने की कोशिश करता है लेकिन सीजर गोली नहीं चला पाता। मैकुला अब अपनी गन उठाकर खुद को गोली मार देता है। बाकी वानर भी वहां से भाग रहे हैं और सीजर उसके साथ जाने की कोशिश करता है। वो अपने साथ ग्रेनेड का बेल्ट लेकर भागता है। तभी एक सैनिक आकर उस पर फायरिंग करता है। रेड दूर से ये देखता है। तभी उसका साथी सैनिक रेड से लॉन्चर मांगता है। रेड लॉन्चर से उस सैनिक को मार देता है जो सीजर को मारने वाला था। ये देखकर दूसरा सैनिक रेड को गोली मार देता है। अब सीजर ग्रेनेड उठाकर फ्यूल टैंक पर फेंकता है जिससे पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है। सीजर टनल के रास्ते वहां से बच निकलता है। सीजर वहां आकर देखता है कि दूसरे देश की आर्मी कर्नल मैकुला के कैंप की हालत देखकर जश्न मना रही है। तभी कुछ सैनिकों की नज़र सीजर पर जाती है। वे सीजर को मारने की तैयारी करते हैं। तभी पहाड़ों पर से हिमस्खलन शुरू हो जाता है।
सीजर, नोवा, मॉरिस और बाकी वानर हिमस्खलन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जबकि बाकी सैनिक हिमस्खलन से मारे जाते हैं। अब सभी वानर अपने नए ठिकाने की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पहुंचकर सभी वानर काफ़ी खुश हैं। मॉरिस सीजर के पास आकर बैठता है, जो देखता है कि सीजर के घाव से खून बह रहा है। सीजर जानता है कि वो नहीं बचेगा, इसलिए वो मॉरिस को अपने परिवार के साथ सभी वानरों की देखभाल करने के लिए कहता है। मॉरिस वादा करता है कि वो सभी का ख्याल रखेगा, और उसके कुछ ही देर में सीजर की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिल्म का तीसरा पार्ट यहाँ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।